हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ट्यूब चैनल सीरीज बिड विस में आपका स्वागत है पार्ट की शुरुआत में हमें विन को दिखाया जाता है जो कि टीम को देख रहा होता है उसके बारे में सोच रहा होता है तभी पे डीन उसको नोटिस कर लेता है और उससे कहता है और उससे कहता है कि तुमने ये कब कहा था कि तुम कभी भी अपने जीवन में किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने दोगे और अब क्या तुम अपने ही कहे शब्दों से मुकर रहे हो तो यहाँ पे विन पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है तो यहाँ पे डीन विन से कहता है कि तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है क्या ये सच में वास्तविकता है और अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब देने में अबेल होना पड़ेगा अभी जो तुम कुछ भी फेस कर रहे हो क्या वो सिर्फ उसके लिए तुम्हारी चिंता है या फिर प्यार है तो यहाँ पे विन कहता है कल जब मैंने उसको पानी में डूबते हुए देखा तो मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए मैं बहुत ज्यादा डर गया था मुझे इस बात का डर था कि अब वो मेरी जिंदगी से गायब हो जाएगा मुझे इस बात का डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा और उसके साथ कुछ हो जाने के बाद उस चीज के साथ मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि अभी मेरे पास किस तरह की फीलिंग्स है मैं इस फीलिंग को पसंद नहीं करता मैं नहीं चाहता मेरे पास ऐसी कोई फीलिंग हो जिसकी वजह से मैं किसी को खो दू और मुझे ऐसा फील हो रहा है की मैं उसको अपने पास रखने के लिए एबल नहीं हूँ तो यहाँ पे डीन कहता है विन तुमको इन सब चीजों के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है तो यहाँ पे विन कहता है मुझे ऐसा लगता है की मैंने और उसने अपनी लाइंस को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है इस, मैंने इन सारी चीजों की शुरुआत नहीं की लेकिन ये सारी चीजें इस तरह से बदल गई तो यहाँ पे डीन कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम्हें अब शांत होने की जरूरत है तो यहाँ पे विन कहता है मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहता मैं किसी से भी प्यार करने की शुरुआत नहीं करना चाहता मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता तो यहाँ पे डीन कहता है इस तरह से समस्या से भागने से समस्या का हल नहीं होगा अगर तुम उससे खोना नहीं चाहते हो तो तुम उसे अपने पास रखो इस तरह से अवॉइड करने की कोशिश मत करो लेकिन यहाँ पे विन जो होता डीन की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है फिर मेरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम अपने स्विमिंग में कम्पलीट कर लेता है और उसके बाद फिर चारों तरफ जो है, वो विन विन को ढूंढ रहा होता है 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 लेकिन उसको नहीं मिलता तो फिर पे टीम टीम बहुत ज़्यादा परेशान हो हो जाता और भी हो जाता भी सीन में और बाकी के लड़कों को चेंजिंग रूम में दिखा जाता है जहां पे लोग कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे डीन आता है को देख कर, टीम उससे कुछ कहने वाला होता है लेकिन कहता नहीं बल्कि उससे ये कहता है फार्म तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है नेक्स्ट सीन में बी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस से मिलने आता है और प्रिंस से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे लगा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे प्रिंस उसे कहता है तुमने मुझे खुद से बुलाया था तो मैं कैसे ना था वैसे भी पानी में तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे अगर तुम शार्क से भी कॉम्पिटिशन करते तो तुम उसे भी हरा देते तो यहाँ पे बी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफी कर रहे हो वैसे तुम आगे कहाँ जाने वाले हो क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंस कहता है मुझे थोड़ी देर में जाना पड़ेगा तो यहाँ पे बी उससे कहता है तो क्या तुम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस देखने आए थे प्रिंस कहता है की हाँ क्यों जब पे प्रंस कुछ बोलने ही वाला होता है तो भी उस, उसको रोक देता है उसे कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट भी कर सकते थे मैं तुमको इनवाइट किया था लेकिन मैंने तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि तुम आओगे तो यहाँ पे प्रिंस कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है क्या तुमने मुझे बस ऐसी फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए इन्विटेशन दे दिया था और मैं तुम्हारी इच्छा के बगैर ही यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बी कहता है ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो वो बस बात इतनी सी है कि तुमको बहुत ही मुश्किल से आराम करने का समय मिलता है तुम्हारा काउंटो भी यूनिवर्सिटी से काफी दूर है तुम इतनी दूर से प्रैक्टिस देखने के लिए आयो तुम्हें नहीं लगता की व्यर्थ था तो यहाँ पे प्रिंस कहता है यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि बेकार नहीं है तो यहाँ पे प्रिंस कहता है मुझे लगता है की पूरी तरह से उपयोगी था ये मेरा पहली बार था जब मैंने स्विमिंग कॉम्पिटिशन को देखा और मुझे ऐसा आभास हुआ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे बी कहता है क्या पसंद तो यहाँ पे प्रिंस कहता है की मुझे स्विमिंग करना देखना और मिलना बहुत ही ज्यादा पसंद है तभी यहाँ पे बी प्रिंस के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है उससे कहता है की मुझे भी स्विमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद है कि तुम यहाँ पे हो तभी यहाँ पे प्रिंस अपने बैग से बोतल निकालता है और वो निकाल के बी को देता है तो बी कहता है कि ये क्या है तो यहाँ पे प्रिंस उसे कहता है कि ये सनस्क्रीम है और ये स्प्रे फॉर्म है क्या तुमने कभी सनस्क्रीम यूज किया है तुम इसे पानी में जाने से पहले स्प्रे कर सकते हो यद्यपि पूल अंदर है लेकिन फिर भी पानी में क्लोरीन मिला हुआ है जो कि तुम्हारी स्किन को डैमेज कर सकता है ये स्प्रे काफी अच्छा है और मैं खुद इसका अम्बेसर हूँ तो यहाँ पे भी कहता है वाओ मैं इसका यूज करूंगा और ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा स्प्रे करने लगता है बी की ऐसी हरकतों को देख प्रिंस उसे कहता है बी क्या तुम पागल हो गए हो खैर छोड़ो मुझे भी जाना है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और फिर यहाँ पे प्रिंस जाने लगता है तो भी उसको रोके कहता है प्रिंस यहाँ पे आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया तो प्रिंस कहता है मुझे बुलाने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ प्रिंस के जाने के बाद यहाँ पे भी पागलों के जैसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रे कर रहा होता है बहुत ज्यादा हंस रहा होता है तो सीन में बिन को बार में दिखाया जाता है जहाँ पे टोलू से कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्या मैं सपना देख रहा हूँ तो यहाँ पे विन उससे गुस्से में पूछता है कि तुम कौन सी बकवास वाली बात कर रहे हो तो यहाँ पे टुल कहता है मैं कभी भी ऐसा तो नहीं करता था तुम रियली ही बार में आते हो और आज तुमने मुझसे खुद ही कहा बार में आने के लिए और तभी वाँ पे वॉन आ जाता है वॉन को देख के टुल जो था धीरे से, से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने अपने बड़े भाई या वॉन को भी बुलाया है तो यहाँ पे विन कहता है कि वो पास में ही था तो इसलिए मैंने उसे बुला लिया तब यहाँ पे वॉन कहता है तुम कभी भी इस तरह से रात में ड्रिंक वगैरह नहीं करते हो मुझे बताओ क्या हुआ है तो यहाँ पे विन कहता है ये टुल है मेरा फ्रेंड और टुल ये मेरा बड़ा भाई है तो यहाँ पे टूल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ हम लोग पहले मिल चुके हैं तो यहाँ पे वॉन भी कहता है कि हाँ मुझे ये याद है तो यहाँ पे वॉन कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा

जरूरत है तो यहाँ पे विन कहता है क्या होगा अगर मुझे इस बात का डर हो कि ये प्यार है मैं प्यार नहीं करना चाहता तो यहाँ पे वॉन वो बहुत प्यार से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि वास्तव में यहाँ पे चल क्या रहा है तो यहां पे विन कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे मेरे मन में किसी के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ तो हूँ ऐसा कुछ है तो तुम्हें ये चीजें उसके सामने शो ऑफ करनी चाहिए तो पे वॉन पूछता है और तुम मुझे ये बताओ की तुम्हें किस बात का डर है विन कहता है मुझे इस बात का डर है की अगर मैं उससे प्यार करना स्टार्ट कर दूंगा तो एक दिन मैं उसे खो दूंगा वॉन उसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम चीजों को इस तरह से सोच रहे हो तो यहाँ पे विन कहता है कि कि मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं मैं कोई भी भी चीज़ कभी संभाल के नहीं रख सकता और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको अपने पास संभाल के रख पाऊंगा जैसे कि मैंने बाकी चीज़ें खो खोदी है उसी तरह मैं भी उसे भी खो दूंगा नेक्स्ट सीन में टीम को दिखाया जाता है जो की फ्रेश होकर आराम से आके अपने बेड पर बैठा हुआ होता है और फिर मोबाइल फोन उठा के विन को कॉल करता है लेकिन विन उसकी कॉल का आंसर नहीं देता है उठाता नहीं उसका कॉल मेरे पे टीम इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि वो कहाँ पे है नेक्स्ट सीन में मैं फार्म और डीम को दिखाया जाता है जहाँ पे फार्म फार्मी से कहता है कि पी डीन आपको इस तरह से रोज रोज मुझे पिकअप करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ तो पे डीन कहता है कोई बात नहीं फार्म ये बहुत ही छोटी सी चीज है और उसे बताता है की बहुत जल्दी स्विमिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है और अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा तो आता है की मैं, मैं स्विमिंग क्लब के सारे लोगों को लेकर जाऊँ फ्लोटिंग रिजॉर्ट में वो भी कुमार चुम्बी में कोई ऐसी जगह है वहाँ की जो सुनकर फार्म बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है की फ्लोटिंग रिजॉर्ट भी कंचनपुरी में मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ लेकिन मैं कभी भी वहाँ पे नहीं गया यहाँ डीन कहता है तो बहुत अच्छी बात है वैसे भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था तो यहाँ पे फार्म कहता है कि क्या अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो क्या सच में मैं जा सकता हूँ तो यहाँ से कहता है कि हाँ तो फार्म उसे कहता है लेकिन मैं तो क्लब का नहीं हूँ तो ये सुनकर डीन जो था फार्म के बहुत करीब आता बहुत प्यार से उसके फेस को टच करता है उससे कहता है कि तुम इन सब चीज़ों को लेकर क्यों परेशान हो क्या तुम क्लब के प्रेसिडेंट के बॉयफ्रेंड नहीं हो तो ये सुनकर फार्म बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है कहता है पी डीन क्या बोल रहे हो तो यहाँ पे डीन उसे कहता है कि चलो चलो चलकर हम लोग कुछ खाते हैं तो यहाँ पे फार्म कहता है तुम्हारा मतलब क्या डिनर करने कहता है क्यों क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो तो यहाँ पे फार्म फार्मी क्या बोलते हो फिर यहाँ पे दोनों लोग खाना वाना खाने चले जाते हैं नेक्स्ट सीन में वॉन और टूल को साथ में बैठे हुए दिखाया जाता है जहा पे वन के मोबाइल पे विन का मैसेज आता है और विन उसको बता चुका होता है कि मैं घर जा रहा हूँ तो यहाँ पे वॉन ये बात टूल को भी बताता है और उससे कहता है तो तो क्या अब हम लोग घर चलेंगे तभी यहाँ पे टूल जोर से बोलता है उसके बाद फिर कहता है अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने कभी भी विन को इस तरह से नहीं देखा यहाँ पे वॉन कहता है हाँ बात तो सही है क्या तुम्हें तो कोई आइडिया है कि वो किसे पसंद करता है तो यहाँ पे टुल कहता है कि मैं बस थोड़ा बहुत गेस्ट कर सकता हूँ मुझे लगता है कि वो हमारे क्लब का ही बच्चा है तो यहाँ पे वॉन कहता है मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ की वो कौन इंसान है जिसकी वजह से विन की ये सिचुएशन है तो यहाँ पे टुल उसे कहता है की तुम्हारे बारे में क्या घर पर सब कुछ कैसा चल रहा है विन प्राय तुम्हारे बारे में मुझे बताता रहता है तो यहाँ पे वॉन कहता है की कुछ खास नहीं सब कुछ नॉर्मल है बस पहले के जैसा ही सब कुछ है तो यहाँ पे टुल कहता है कभी कभी जो दिमाग में हो उसको निकाल देना चाहिए चीज़ों को सिर्फ अपने तक ही रखना अच्छा नहीं होता और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी से बात करने की शुरुआत करनी चाहिए यह बेटर है चीज़ों को अपने पास रखने तक से तो यहाँ पे वॉन कहता है थैंक्स लेकिन मेरे पास पहले से कोई है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिसनर है और हमेशा मेरे बारे में जानने के लिए उत्तेजित रहता है अपनी तारीफ़ सुनकर टुल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है और वॉन से कहता है क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करते हो तो यहाँ पे वॉन कहता है कि हाँ लेकिन ये बहुत ज्यादा वेयर्ड है क्योंकि आज तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले और मैं एज अ पर्सन उसको नहीं जानता तो यहाँ पे से कहता है क्या तुमने कभी उससे फेस टू फेस मिलने के बारे में सोचा है तो यहाँ पे वॉन मना करता है कहता है कि मैं उससे इस तरह से नहीं मिलना चाहता अभी जिस तरह से जैसा भी चल रहा है वो बहुत सही है ये सुनकर टुल जो था थोड़ा सा सैड हो जाता है और से कहता है तो क्या अब हम लोग घर चलेंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है तो यहाँ पे वॉन कहता है हाँ ठीक है फिर ये दोनों लोग घर जाने लगते हैं फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी टीम होता है वो सो रहा होता है उसको उसी तरह का बुरा सपना आ रहा होता है जहाँ पे वो पानी में डूब रहा होता है और वहीं पे एक वुमन रोते हुए कह रही होती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मार डाला क्यों को ही मारना था तुम क्यों नहीं मर गए और सभी यहाँ पे टीम की आंखें खुल जाती है और वो रोने लगता है फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉन और टुल को जहाँ पे टुल जो था वो वन के घर पे आ रहा होता है वोन से कहता मुझे माफ करना मैंने तुमसे तरह से मदद मांगी एक्चुअली मैं अपने साथ अपना की कार लाना भूल गया और मुझे ये भी नहीं पता कि विन मतलब कहाँ पे चला गया है मैंने विन को बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया तो मैंने वॉइसमेल उसको भेज दिया है तो यहाँ पे वॉन उससे कहता है कोई बात नहीं तो टुल उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपने घर पे नहीं लेकर आता तो मुझे नहीं पता था कि आज रात मैं कहाँ पे सोता तो यहाँ पे वोहन उससे कहता है क्या तुम विन के कमरे में सोना चाहते हो अगर ऐसा है तो मैं मेड से चाहे मांग सकता हूँ तो यहाँ पे टुल उससे कहता है कोई बात नहीं मैं यहाँ काउच पे सो जाऊंगा और यहाँ पे टुल कहता है कि बहुत रात हो चुकी है और सारे मेट सोने के लिए भी चले गए होंगे तो यहाँ पे वॉन उसे कहता है अगर तुम यहाँ पे सोगे और जब तुम उठोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी बॉडी में हर जगह से बाइट करा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं और इसलिए तुम यहाँ पे नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर है तो यहाँ पे टुल बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम जानते हो की तुम बहुत फनी भी हो तो यहाँ पे वॉन उससे कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे कमरे में भी सो सकते हो ये सुनते ही टुल तुरंत जवाब देता है की मैं बुरा नहीं मानूंगा वॉन कहता है ठीक है फिर मेरे साथ ऊपर चलो क्यूँकी काफी रात हो चुकी है फिर एक सीन में टुल को दिखाया जाता है जो की उ पे सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी वॉन उसके पास आता है मतलब उसके पास नहीं आता लेकिन उससे कहता है कि मैंने सारे चार्जर्स को ढुल दिए हैं यहाँ पे टोल उससे कहता है कोई बात नहीं बहुत जल्द सुबह हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारे पिलोज है मैं किसी को भी हक करके सो जाऊंगा तो यहाँ पे वॉन उससे कहता है क्या तुम तो मेरे बेड पे मेरे साथ सोना चाहते हो तो यहाँ पे टोल बिना देर हुए कहता है क्या मैं सो सकता हूँ और फिर उसके कुछ कहने से पहले ही बेड में घुस जाता है पे वॉन उससे कहता है ये क्या बात है तो यहाँ पे टुल्स से कहता है तुम्हारा बेड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है तभी यहाँ वॉन भी आके बेड पे बैठता है और मोबाइल में गेम खेलने लगता है तो टोलूस से कहता है क्या तुम अब गेम खेलने जा रहे हो फिर तो वॉन कहता है कि हाँ और तुम अब सो सकते हो और ऐसा बोल के वो गेम खेलने लगता है लेकिन जब देखता है कि वहाँ पे ऑनलाइन नहीं है तो बहुत तेजी से मतलब मोबाइल पटक देता है टुल उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वह उससे कहता है कि टीरेक्स ने मुझे डिस कर दिया हम लोग रोज इसी टाइम पे खेलने आते हैं और आज वो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन ही नहीं आया तो इसका टुल बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि तुम सच में उसे बहुत ज्यादा मिस करते हो या तो फिर वह कहता है की हाँ हम लोग साथ में खेलते हैं और जब मैं उसे ऑनलाइन नहीं देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है की जैसे कुछ मिसिंग है तो यहाँ पे टुल उससे कहता है ऐसा लगता है जैसे की वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे वॉन कहता है कि हाँ वो है तो ये सुनकर टूल बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और उससे कहता है कि बहुत रात हो चुकी है अब तुम कल उससे बात कर लेना तो यहाँ पे वॉन कहता है कि हाँ मैं कल इस चीज के लिए उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से कम्प्लेन करूंगा टुल तो हंसते हुए कहता है हाँ हाँ जरूर करना मुझे ये बहुत पसंद है तो ये सुनकर जो वॉन होता है बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कहता है क्या तो यहाँ पे टुल अपना सर साइड में कर लेता है उससे कहता है कि कुछ नहीं और उसे स्वीट ड्रीम बोलकर लेट जाता है लेकिन यहाँ पे वॉन जो होता है ना वो कंटिन्यू टुल को देख रहा होता है और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग इसी तरह से मतलब लेट और जाते हैं और थोड़ी देर के बाद मतलब ये दोनों लोग ये दोनों लोग नहीं सोते वॉन सो जाता है फिर वॉन नींद में ही जो होता है वो टुल को हक लेता है और ये देख के टुल बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है फिर में नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम जो होता है वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर विन के कमरे की ओर आ रहा होता है और फिर डोर पे पहुँच कर डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन डोर ओपन नहीं होता तो वो डोर को नॉक करता है और विन को आवाज़ देता है या ही बोलता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता और फिर यहाँ पर टीम अपना बोरा बिस्तरा लेकर उसी के सामने बैठा रहता है और मन में खुद से सोच रहा होता है कि वो कहाँ पर चला गया सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी रही मेरे साथ कमेंट करके हमें जरूर बताया कि वीडियो कैसा लगा और देर से वीडियो अपलोड करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम पीरियड में बहुत सारे असाइनमेंट और फाइल लिखने रहते हैं इसलिए टाइम नहीं मिल पाता